What's up, guys? Good morning. Good morning, everyone. I'm Sudhir. So, today's lecture, this is start the Hindu newspaper analysis and current affairs. So, आज के current affairs में देखेंगे हम लोग क्या कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता है आज के current affairs से. आइए सबसे पहले एक motivation quote के साथ शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिलता है यहाँ से. मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ ना देना मेरे मालिक, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है. तो ये कहीं ना कहीं बातें इम्प्लीमेंट आपका लाइफ में होनी चाहिए, और अगर होगी तो आप कहीं ना कहीं सही पथ पर रहेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर. आज 9 दिसंबर का लेक्चर. क्वेश्चन फर्स्ट है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस को मनाया गया है. तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा. तो टायर पार्क स्थापित किया जाएगा ये पश्चिम बंगाल राज्य में अभी देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जा रहा है. ये किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है. तो PNB बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक, जो कि यह लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है, ये ऋण देने के लिए ये प्रबंधन समाधान लॉन्च किया गया है. क्वेश्चन नंबर 4 है, लैब निर्मित माम की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है. तो सिंगापुर. 5th क्वेश्चन है, 2021 गणतंत्र दिवस परेड पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा. तो बोरिस जॉनसन कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, ये आप लोग बताइए कि बोरिस जॉनसन कहाँ के, ये क्या हैं, ठीक है, इनका पदवी क्या है और किस देश के ये बिलोंग कर रहे हैं. तो ये गणतंत्र दिवस का भी परेड में आपको अतिथि के रूप में देखेंगे को मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है. इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम ऐप है ये प्लेटफॉर्म है एक सोशल मीडिया का, जो कि लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है, एक नया फीचर. 2021 में फीफा वर्ल्ड विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा. तो जापान. दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पाए गए हैं. ब्रिटेन में दुनिया के सबसे छोटी प्रजाति के बंदर पाए गए हैं. डिक्शनरी कॉम ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है. तो पैंडेमिक शब्द को, ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है. देश ने सभी नागरिकों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है. तो फिनलैंड देश ने फ्री में वैक्सीन देने की घोषणा की है सभी नागरिकों को. किस देश की बात की जा रही है. तो फिनलैंड देश की. अगर हम बात करें अपने कंट्री में, तो अपने कंट्री में कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है ऐसा जो कभी फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात किया था कि सभी को फ्री वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगा. तो ये कमेंट बॉक्स में अगर आप जान रहे हैं तो इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा स्टेट है जो कि फ्री वैक्सीन की बात कर रहा है हमारे कंट्री में, और ये कौन सी कंट्री है जो कि अभी सभी नागरिकों को फ्री वैक्सीन देने की बात की जा रही है, घोषणा किया है. तो फिनलैंड कंट्री में, ठीक है. आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे लेक्चर. आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ नया सीखने को जानने को मिलता होगा आपको, एंड आप सोशल मीडिया पे हैंडल कर सकते हैं, हमको फॉलो कर सकते हैं और कहीं भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ. सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा आपको. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग. जय हिंद.